सो गाइस वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ, मतलब रिव्यू करने वाला हूँ इन ड्राइवर एप्लीकेशन के बारे में कि कैसे आपको यहाँ पे राइड को बुक करना है, मतलब कैब को कैसे आपको बुक करना है। तो गाइस पूरी डिटेल फुल इन्फॉर्मेशन फुल जानकारी देना उस वीडियो में इसी टॉपिक पर। तो गाइस प्लीज इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। तो गाइस जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो इन ड्राइवर एप्लीकेशन है, सिंपल मैं इस पर टैप कर देता हूँ। जब भी टाइप करते हैं कुछ इस तरह का देखने को मिल जाता है आपको इंटरफेस। यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन देखने को मिल जाता है, सबसे पहले यहाँ पे राइड एसी, इसी तरीके से दूसरा ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है राइड, और यहाँ पे सिंपल इंटरसिटी। तो गाइस यहाँ पे आपको बता दूं, यहाँ पे आपको मौका मिल जाता है अपना फेयर देने से, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे ट्रैवल करते हो 10 किलोमीटर का, तो यहाँ पे आपको रिकमेंडेशन आता है, शो करता है कि आप इतना पे कर सकते हो, बट अपने हिसाब से आप कस्टमाइज कर सकते हो कि इस ट्रिप के लिए आपको कितना फेयर पे करना है। तो गाइस यहाँ पे आप इसे चूज कर सकते हो। तो गाइस सिंपली आपको यहाँ पे करना क्या पड़ेगा, आपको यहाँ पे पिकअप पॉइंट चूज कर लेना है। आप यहाँ पे इसे चूज कर सकते हो करंट लोकेशन भी, उसके बाद यहाँ पे आपको डेस्टिनेशन चूज कर लेना है। आप यहाँ पे टाइप डाउन कर सकते हो, नॉर्मली यहाँ पे मैं द्वारका मोड टाइप कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आपको चूज करने का मौका मिल जाता है ऑफर योर फेयर। तो गाइस सिंपली आपको इस पर टाइप कर देना है। जब भी आप टाइप करते हो यहाँ पे आप सबको ऑप्शन देखने को मिल जाता है कि कितना आपको पेमेंट करना है। तो गाइस नॉर्मली यहाँ पे मैं 250 टाइप कर लेता हूँ और यहाँ पे डन पे क्लिक कर देता हूँ। आप यहाँ पे कैश के थ्रू या QR पेमेंट के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हो, उसके बाद आपको डन पे क्लिक कर देना। जब यहाँ पे डन पे क्लिक करते हो तो गाइस अब यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको रिकमेंडेशन शो कर होगा कि आपको इतना पे करना पड़ेगा, कि आपको यहाँ पे इतना पे करना पड़ेगा। अगर आप इससे ज़्यादा बुक करते हो, अगर आप इससे ज़्यादा पेमेंट करते हो, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा जल्द से जल्द, मतलब जो भी जिनके पास फर्स्ट ड्यूटी जाएगी, फर्स्ट रिंग बजेगा, वही एक्सेप्ट कर लेंगे क्योंकि आपका फेयर ज़्यादा हाई होगा नॉर्मल प्राइस के हिसाब से। उसके बाद यहाँ पे आपको फाइंड अ ड्राइवर पे टाइप कर देना है। कुछ ही देर में यहाँ पे फाइंडिंग होने लग जाएगा। अगर आपके यहाँ पे करंट फेयर के हिसाब से आपका राइड जल्दी बुक ना हो सके, तो आप इजीली यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हो फेयर और यहाँ पे रेस फेयर पे क्लिक कर सकते हो। आपके यहाँ पे दोबारा रिकनेक्ट हो जाएगा, करंट फेयर अपडेट हो जाएगा और इंस्टेंट आपका कैब बुक हो सकता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे नोटिफिकेशन मिल चुका है, अगर मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ तो 110% मेरा कैब बुक हो जाएगा इंस्टेंटली। आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है कि कौन सा गाड़ी है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वैगन आ रहा है, यहाँ पे स्विफ्ट डिजायर है। तो गाइज और भी यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेगा, फटाफट आता रहेगा क्योंकि आपका फेयर नॉर्मली हाई है। अगर आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करना चाहते हो लो के हिसाब से, तो आप वो भी चूज कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे डिक्लाइन करना है तो सिंपली आपको डिक्लाइन पे क्लिक कर देना, या फिर आपको एक्सेप्ट करना है तो सिंपली आपको एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना। 110% आप इजिली राइड को बुक कर सकते होंगे इस तरीके से। तो गाइज आपको कुछ इसी तरीके से इन ड्राइवर एप्लीकेशन से कैब को बुक करना है। मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है कि कैसे आपको यहाँ पे कैब को बुक करना है। सो गाइज आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इस वीडियो से मदद मिली हो, इस वीडियो से जानकारी मिली हो। तो गाइज प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को देना सब्सक्राइब कर। हम आप सभी के लिए, सिर्फ और सिर्फ आप सभी के लिए कुछ इसी तरीके वैल्यूएबल कंटेंट लाते रहते। तो गाइज फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।